नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। साथ की बात में आज बात करेंगे तालिबान राज की, तालिबान 2.0 के आतंकी। तारीख 8 अगस्त 1998। तालिबान के लड़ाकों ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ में दाखिल होते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया, जो जहां मिला गोली मार दी। कई दिन तक हजारा समुदाय के हजारों लोगों को चुन चुन कर मार गिराया गया। तालिबान ने लाशें भी दफन नहीं करने दी। अब 23 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत लौट आई है, तो ऐसे में आज ये जानेंगे कि इन दिनों में तालिबान में क्या क्या बदला है। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का शासन आ गया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। सत्ता हस्तांतरण लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही उन लोगों के प्रयासों को गहरा धक्का लगा है जो पिछले 20 सालों से देश में लोकतंत्र की स्थापना की कोशिशों में लगे हुए थे। इनमें अमेरिका, नाटो देशों के साथ ही भारत भी शामिल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के लिए आने वाला समय काफी मुश्किल भरा हो सकता है। अफगानिस्तान में जो भारत के पास कूटनीतिक भरत थी वो खत्म हो सकती है। इस हलचल का असर दुनिया के जिन मुल्कों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा उसमें भारत शामिल है। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरह बदलने वाले हैं? भारत ने अफगानिस्तान के विकास पर जो खर्च किया है उसका क्या होगा? चाबहार प्रोजेक्ट का क्या होगा? क्या जैश और लश्कर जैसे संगठन भारत में फिर सिर उठा सकते हैं? आइए जानते हैं। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने से भारत पर असर क्या पड़ेगा? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कबीर तनीजा कहते हैं कि तत्कालिक तौर पर देखें तो भारत पर इस बदलाव का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पिछले 4 से 5 दिनों में भारत ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया कि जो किसी एक के पक्ष में या खिलाफ हो। यहां तक कि भारत ने अब तक इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है। आने वाले समय में भारत तालिबान से किस तरह का संबंध रखना चाहेगा ये भी देखने वाला होगा, उससे ही कुछ हद तक तय होगा। पूर्व विदेश सचिव विवेक कार्जू ने एक मीडिया हाउस से कहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत इस वक्त मुश्किल स्थिति में है। वो जमीनी हकीकत पर कोई असर नहीं डाल सकता। 12 अगस्त को दोहा में हुई बैठक में सीधे तौर पर किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़े होकर भारत कूटनीतिक तौर पर हाशिए पर चला गया है। कुछ और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले समय में भारत खुद को अफगानिस्तान में मुश्किल हालात में पा सकता है। भारत की अमेरिका में बहुत ज्यादा करीबी और पॉलिसी जजमेंट में हुई कुछ त्रुटियां इस कारण है। भारत ने अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में जो निवेश किया उसका क्या होगा? कभी तनेजा कहते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में जो किया वो निवेश नहीं बल्कि मदद थी। हमने जो $3 बिलियन खर्च किए वो किसी रिटर्न के लिए नहीं थे, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए थे। उस मदद का क्या होगा ये कहना मुश्किल है। पिछले 20 साल में भारत ने अफगानिस्तान में करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में पैसे खर्च किए हैं। इनमें स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के लिए हॉस्टल और पुल शामिल हैं। भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन, सलमा बांध और जरांश देलराम हाईवे जैसी परियोजनाओं में काफी खर्च किया है। इस तरह की बड़ी मदद को तालिबान पूरी तरह से बर्बाद कर देगा ऐसा नहीं लगता। इससे अलग छोटे स्केल पर जो मदद है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि ये सभी तालिबान के आने के बाद भी अफगानिस्तान के लोगों के काम आएंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा। ये दोनों देश अफगानिस्तान में भारत का दखल जितना हो सके उतना कम करना चाहेंगे। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत का चाबहार प्रोजेक्ट कितना प्रासंगिक रह जाएगा? ईरान का चाबहार बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और ईरान के साथ मध्य एशियाई देशों से जोड़ता है।
भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड का सीधा रास्ता बनाना चाहता है। तनेजा कहते हैं कि अब इन परियोजनाओं का भविष्य क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आने वाले कई साल भारत के लिए आसान नहीं होने वाले। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले समय में अफगानिस्तान से कारोबार कराची और गवादर बंदरगाह के जरिए हो सकता है। ऐसे में चाबहार बंदरगाह पर भारत का निवेश अव्यवहारिक हो सकता है। क्या तालिबान के आने से जैश और लश्कर जैसे संगठन भारत खासतौर पर कश्मीर में फिर एक्टिव हो सकते हैं? ये देखना होगा कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की सत्ता में अहम पद पाता है या नहीं। बरादर कई साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा, उसे पाकिस्तान का मजबूत सपोर्ट है। ऐसे में जैश और लश्कर जैसे संगठन अगर अफगानिस्तान में आकर ट्रेनिंग करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगी। तालिबान के लड़ाकों के पास अमेरिका और नाटो देशों के साथ युद्ध का लंबा अनुभव है, ऐसे में उन्हें इसका फायदा भी होगा। ये सभी स्थितियां भारत के लिए गंभीर खतरा खड़ा कर सकती हैं। आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत के पास विकल्प क्या है? भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। भारत को अगले कुछ हफ्तों या महीनों में ये तय करना होगा कि तालिबान के साथ कैसे रिश्ते चाहता है। क्या भारत सीधे संबंध बनाएगा या सेमी ऑफिशियल रहेगा या बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगी, हालांकि ये तय होने में अभी समय लगेगा। कब और कैसे बना तालिबान? अफगान गुरिल्ला लड़ाकों ने 1980 के दशक के अंत और 1990 के शुरुआत में संगठन का गठन किया। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा था। इन लड़ाकों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त था। अफगान लड़ाकों के साथ पश्तो आदिवासी स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल थे। ये लोग पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ते थे। पश्तो में स्टूडेंट्स को तालिबान कहते हैं, यहीं से इन्हें तालिबान नाम मिला। अफगानिस्तान में पश्तून बहुसंख्यक है। देश के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ है। वहीं पाकिस्तान के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में भी पश्तूनों की बहुलता है। सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद इस आंदोलन को अफगानिस्तान के आम लोगों का समर्थन मिला। आंदोलन की शुरुआत में इसे चलाने वाले लड़ाकों ने वादा किया कि उनके सत्ता में आने के बाद देश में शांति और सुरक्षा स्थापित होगी। इसके साथ ही शरिया के कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा। अपने विरोधी मुजाहिदीनी ग्रुपों से चलकर 4 साल के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ। इसके साथ ही देश में सख्त शरिया कानून लागू हुआ। 1994 में तालिबान ने कंधार पर कब्जा किया। सितंबर 1996 में काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। इसी साल तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। मुल्ला मोहम्मद उमर देश के आमिर अल मोमिन यानी कमांडर बनाए गए। 2001 से पहले अफगानिस्तान के 90% इलाके तालिबान के कब्जे में थे। इस दौरान शरिया कानून को सख्ती से लागू किया गया। महिलाओं को बुर्का पहनने को कहा गया। म्यूजिक और टीवी पर बैन लगा दिया गया। जिन पुरुषों की दाढ़ी छोटी होती थी उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। लोगों के सामाजिक जरूरतों और मानवाधिकारों तक की अनदेखी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है। इसका सीधा असर भारत और अफगानिस्तान के व्यापार पर पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि भारत सरकार तालिबान को मान्यता नहीं देती, जबकि भारत के अफगानिस्तान सरकार के साथ अच्छे संबंध थे। भारत दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार है। भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 अरब का निवेश किया गया है। दोनों देशों के बीच 10,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार। भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय कारोबार होता है। फाइनेंशियली ईयर 2020 से 2021 में दोनों देशों के बीच करीब $1.4 अरब यानी 10,387 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसी तरह 2019 से 2020 में दोनों देशों के बीच $1.5 अरब का व्यापार हुआ था। 2020 से 2021 में भारत ने अफगानिस्तान को करीब 6,129 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे, जबकि भारत ने करोड़ रुपए के प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं। अफगानिस्तान से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स
भारत अफगानिस्तान से किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पिस्ता, सूखे खुबानी जैसे मेवे इंपोर्ट करता है। इसके अलावा अनार, सेब, चेरी, खरबूजा, तरबूज, हींग, जीरा और केसर भी इंपोर्ट करता है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स, भारत अफगानिस्तान को गेहूं, कॉफी, इलायची, काली मिर्च, तंबाकू, नारियल और नारियल के जूट से बना सामान भेजता है। इसके अलावा कपड़े, कन्फेक्शनरी का सामान, मछली से बने प्रोडक्ट, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल एक्सपोर्ट करता है। साथ ही वनस्पति, केमिकल प्रोडक्ट्स और साबुन, ड्रग, दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, इलेक्ट्रिकल सामान, रबर से बने प्रोडक्ट, मिलिट्री इक्विपमेंट समेत अन्य प्रोडक्ट भेजता है। अफगानिस्तान के साथ व्यापार की उम्मीद का कुछ विदेशी मामलों के जानकार की माने तो तालिबान के दौर में रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार एक तरफा था। भारत ने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट किया, लेकिन अब अफगानिस्तान चीन की एक्सिस में चला गया है, जिसके कारण अब अफगानिस्तान के साथ व्यापार की उम्मीद कम ही है। अफगानिस्तान के साथ व्यापार लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। भारत कैलिफोर्निया से भी ड्राई फ्रूट्स का इंपोर्ट करता है, लेकिन इस साल वहां भी कुछ समस्याएं हैं, जिसके चलते ड्राई फ्रूट्स की कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। भारत का वैश्विक कारोबार प्रभावित होगा। भारत ने पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में करीब 22,251 करोड़ रुपए का निवेश किया। इसके पीछे भारत की रणनीति ये थी कि ईरान में चाबहार पोर्ट को सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान से जोड़ा जाएगा। ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के देलरम से तक की सड़क परियोजना का काम भी जारी है। इससे अफगानिस्तान के रास्ते मध्य यूरोप तक भारत की पहुंच आसान होगी। इस रूट से भारत मध्य यूरोप के साथ कारोबार भी कर पाएगा, लेकिन अब इस योजना पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पिछले 2 दशकों से भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए काफी काम किया। भारत ने यहाँ पर डेलरम और जराज सालमा बांध के बीच करीब 218 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया है। इसके अलावा अफगानिस्तान की संसद का निर्माण भी भारत ने ही करवाया था। आयात कैसे होता है? अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। ये पाकिस्तान होते हुए वाघा बॉर्डर के जरिए भारत को निर्यात करता है। साथ ही अब उसने ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते भी निर्यात करना शुरू कर दिया। हवाई मार्ग से भी भारत को खासकर सूखे मेवे की आपूर्ति की जाती रही है। अफगानिस्तान से भारत को होने वाले निर्यात में सूखे मेवों की अहम हिस्सेदारी रही है, लेकिन अब ये व्यापार मुश्किल में घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान ने पूरी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत से बंद कर दिया है। हालांकि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तालिबान लगातार अपने बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तालिबान ये कह रहा है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि तालिबान में क्या हो रहा है, इसकी बानकी मीडिया में भी नजर आ रही है। कई रिपोर्टर वहां हिजाब पहनकर रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो कोई नए नियमों के साथ रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में सत्ता बदलते ही मीडिया को भी अपना क्लेवर बदलना पड़ा है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN चीफ इंटरनेशनल रिपोर्टर कैलोरिसा वार्ड हिजाब में नजर आई थी। रिपोर्टिंग के दौरान कैलोरिसा ने कहा था कि एक तरफ तालिबानी अमेरिका का खात्मा हो का नारा लगातार लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका रवैया काफी दोस्ताना दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से अजीब है। कैलोरिसा की हिजाब वाली तस्वीरें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें कैलोरिसा की पहले की रिपोर्ट के दौरान की फोटोज को भी शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले भी वो हिजाब नहीं पहनती थी और अब तालिबानी कब्जे के बाद उनका पहनावा बदल गया है और तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। कैलोरिसा ने पहनावे को लेकर दी सफाई। हालांकि कैलोरिसा ने वायरल हो रही तस्वीरों पर सफाई दी है। उनका कहना है कि ये तस्वीरें गलत है। एक तस्वीर प्राइवेट कंपाउंड की है, दूसरी तस्वीरों में मैं तालिबानी कब्जे वाले काबुल की सड़कों पर हूँ। पहले भी मैंने जब काबुल की सड़कों पर रिपोर्टिंग की तो हिजाब पहनी रखा था। हालांकि ये पूरी तरह कवर नहीं रहता, बुरका नहीं रहता था। थोड़ा बदलाव तो हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। औरतों के लिए कितना बदल गया अफगानिस्तान। कैलोरिसा सोमवार को अफगानिस्तान में
अमेरिकी दूतावास के बाहर रिपोर्टिंग कर रही थी। उन्होंने कहा था कि दो दिन पहले के मुकाबले अफगानिस्तान की सड़कों पर महिलाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। फिलहाल की अगर तस्वीरों की बात करें तो महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक और चीज जो गौर करने लायक है वो ये कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम होने के बाद महिलाएं ज्यादा पारंपरिक और दकियानूसी परिधानों में नजर आ रही हैं। कुछ ही घंटों में रिपोर्टिंग का रंग रूप ही बदल गया। कल रीसा की रिपोर्टिंग का जो वीडियो सामने आया है उसमें वे सिर से पैर तक बुरके में नजर आ रही हैं। उनके पीछे तालिबानी लड़ाके भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ जीप पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं कि अमेरिका का खात्मा हो। इससे पहले भी क्लेरिसा अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करती हुई नजर आई थी, लेकिन तब उन्होंने इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहनी थी। 15 अगस्त की ही एक रिपोर्ट में वे कुर्ती और दुपट्टे में नजर आई थी, लेकिन 16 अगस्त को जब वो रिपोर्टिंग करती दिखाई दी तो उन्होंने हिजाब पहन रखा था। क्लेरिसा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि तालिबानी कब्जे के बाद यहाँ काम कर रहे बहादुर जर्नलिस्ट हक्के बक्के हैं। तालिबान के सत्ता हासिल करने से उन्हें धक्का लगा है। वो जानते हैं कि अब वो निशाने पर हैं, क्योंकि उन्होंने अशरफ गनी सरकार के वक्त खुलकर और साफ गोई में रिपोर्टिंग की है। पहले वो तालिबान के खिलाफ बोलते रहे हैं और अब सबसे बड़ा टारगेट वही है। पहले भी जाम में नजर आ चुकी है क्लेरिसा। ये पहली बार नहीं है जो क्लेरिसा वार्ड हिजाब में नजर आई हूँ। 2016 में सीरिया में कवरेज के दौरान भी वो कई मौकों पर हिजाब में नजर आई थी। सीरिया की सिविल वॉर के दौरान उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आप हमेशा लोगों की जान नहीं बचा सकते। क्लेरिसा 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान बेरूत और 2005 में इराक युद्ध के दौरान मोसुल में भी रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अफगानिस्तान अब इस्लामिक अमीरात बन चुका है। मौलवी इब्तुल्ला अखुजादा इसके अमीर अल मोमिन घोषित हुए हैं। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन और संसद समेत सभी सरकारी इमारतों पर कब्जा जमा लिया है। पूरे देश में अफरा तफरी के बीच उन लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके हाथ में तालिबान सरकार की कमान जा रही है। वो देखिए, इब्तुल्ला अखुजादा के अलावा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला अब्दुल हकीम को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इनमें से कुछ 1996 से 2001 तक चली तालिबान सरकार में शामिल थे, तो कुछ नेताओं ने अमेरिका के खिलाफ 20 साल चली जंग में अहम भूमिका निभाई। तो ऐसे में जानते हैं तालिबान को आखिर चलाता कौन है। मौलवी हिबतुल्लाह अखुनज़ादा फतवों का मास्टर। अरबी में इबतुल्लाह का मतलब होता है ईश्वर का तोहफा। अपने नाम के उलट इबतुल्लाह ऐसा क्रूर कमांडर है जिसने कातिलों और अवैध संबंध रखने वालों की हत्या करवा दी और चोरी करने वालों के हाथ काटने की सजा दी। इबतुल्लाह अखुनज़ादा 1961 के आसपास अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के पंजवई जिले में पैदा हुआ। वो नूरजई कबीले से ताल्लुक रखता है। उसके पिता मुल्ला मोहम्मद अखुंद एक धार्मिक स्कॉलर थे। वो गांव की मस्जिद के इमाम थे। 1996 में जब तालिबान ने काबुल का कब्जा जमाया, उस वक्त अखुनज़ादा को फरहा प्रांत के धार्मिक विभाग की जिम्मेदारी मिली। बाद में वो कंधार चला गया और एक मदरसे का मौलवी बन गया। ये मदरसा तालिबान फाउंडर मुल्ला अमर चलाता था, जिसमें 1,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। हिबतुल्लाह अखुनज़ादा इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान में शरिया अदालत का चीफ जस्टिस भी रहा। मुल्ला मंसूर की मौत के बाद 25 मई 2016 को हिबतुल्लाह अखुनज़ादा को तालिबान की कमान सौंपी गई। तब से वही इस समूह की टॉप अथॉरिटी है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर शांति वार्ता का हिमायती। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उन चार लोगों में से एक है जिन्होंने तालिबान का गठन किया था। वो तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर का डिप्टी था। 2001 में अमेरिकी हमले के वक्त वो देश का रक्षा मंत्री था। 2010 में अमेरिका और पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन में बरादर को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त शांति वार्ता के लिए अफगानिस्तान सरकार बरादर की रिहाई की मांग करती थी। सितंबर 2013 में उसे रिहा कर दिया गया। 2018 में
जब तालिबान ने कतर के दोहा में अपना राजनीतिक दफ्तर खोला, वहां अमेरिका से शांति वार्ता के लिए जाने वाले लोगों में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर प्रमुख था। उसने हमेशा अमेरिका के साथ बातचीत का समर्थन किया। इंटरपोल के मुताबिक मुल्ला बरादर का जन्म उरुजगान प्रांत के देरावुडा जिले के वीटमा गांव में 1968 में हुआ था। माना जाता है कि उसका संबंध दुर्रानी कबीले से है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी दुर्रानी ही हैं। मुल्ला मोहम्मद याकूब तालिबान के फाउंडर का बेटा। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की पाकिस्तान में टीबी की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद माने जाने लगा कि तालिबान में मुल्ला उमर के परिवार का दखल खत्म हो गया। 2016 में मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब सामने आया। उसने अखुंजादा को तालिबान चीफ बनाए जाने का समर्थन किया और फिर गायब हो गया। इस साल 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के समझौते के 3 महीने बाद मोहम्मद याकूब का नाम चर्चा में आया। तालिबान की रहबरी शूरा ने मोहम्मद याकूब को मिलिट्री विंग का कमांडर नियुक्त किया था। मोहम्मद याकूब अब कमांडर मुल्ला याकूब बन चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तालिबान की मौजूदा लीडरशिप में मुल्ला याकूब सबसे नरम पत्थी रवैये वाला नेता है। अलकायदा की तरह वो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का दुश्मन नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड। सिराजुद्दीन हक्कानी मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। वो अपने पिता के बराए हक्कानी नेटवर्क को चलाता है। ये नेटवर्क पाकिस्तान सीमा पर तालिबान के फाइनेंशियली और मिलिट्री प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान में कई हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसने तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की कोशिश की थी। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क ने भारतीय दूतावास पर आत्मघाती हमला भी किया था। मुल्ला अब्दुल हकीम शरीयत का जानकार ऑफ चीफ जस्टिस। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान के शांति वार्ता टीम का एक सदस्य है। तालिबान के शासन के दौरान मुख्य न्यायाधीश रहा। धार्मिक स्कॉलर्स की पावरफुल परिषद का प्रमुख है। ऐसा माना जाता है कि तालिबान सरगना हिबतुल्लाह अखुंजादा अब्दुल हकीम हक्कानी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। दुनिया के सामने तालिबान अपनी नई छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की सड़कों पर तालिबान की असली सच्चाई सामने आ रही है। तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट की हैं। इसमें तालिबानी लड़ाकों द्वारा खुलेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं। वीडियो में बच्चे, महिलाएं रोते बिलखते अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान भले ही कितने ही अच्छाई की मुखौटे लगा ले, लेकिन एक के बाद एक तालिबान का मुखौटा उतरता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। साथ की बात में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।